ये है काटिमोन मैंगो का विनियर ग्राफ्टिंग, ठीक है, जिसे ज्वाइन किया जाता है ऐसे, आप देख सकते हैं, ठीक है, रूट स्टॉक को ज्वाइन किया जाता है। तो ये जो सब है, ये है सब विनियर ग्राफ्टिंग है। इसमें आपको ज्वाइन से इधर पत्ते छोड़ा गया है। नॉर्मली जब इसको बाइंडिंग किया जाता है, या अगर एक प्लांट आपको ये देखिए ऐसे जब ज्वाइन किया जाता है तो इसमें कोई लीफ नहीं होता है नॉर्मली, ठीक है, एकदम लीफ नहीं होता है, ऐसे हो दिखता है। तो जब पूरा ज्वाइंट हो जाता है उसके बाद क्या होता है, इधर से ऐसे लीफ छोड़ देता है। ज्वाइंट के बाद एक लीफ ऐसे छोड़ दिया जाता है, तो तब वो ज्वाइंट पूरा हो गया है। और इसको अभी मतलब ज्वाइंट हुआ है, अभी नया पत्ते मतलब इधर से नया पत्ते इसको छोड़ने वाले हैं। इधर देख सकते हैं आप पत्ते हैं छोटा छोटा, अब निकालने वाले। तो ये सब विनियर ग्राफ्टिंग है जिसको ज्वाइन किया जाता है, और इसको टाइम भी लगता है अच्छी तरह से ज्वाइन होने में। ज्वाइंट हो जाने के बाद ही पत्ते छोड़ते हैं अच्छी तरह से, नहीं तो नहीं छोड़ते, ठीक है। अब दूसरी जो है, दूसरा एक ग्राफ्टिंग है, ये आपका मिट्टी में नॉर्मल मिट्टी भी लगाएंगे तो अच्छी ग्रोथ होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखिए ऐसे पत्ते छोड़ रहा है, ठीक है। तो और एक है आपका जोड़ कलम है, जिसको जोड़ कलम भी किया जाता है, जो टेरेस गार्डनिंग के लिए बहुत अच्छा है, उसको मैं दिखाऊंगा। तो ये डिफरेंस है विनियर ग्राफ्टिंग और आपका जोड़ कलम में, क्योंकि जोर कलम में प्लांट छोटा होता है और उसमें आपका फुटिंग आ जाता है। तो मैं आपको जोर कलम दिखाऊंगा अभी, ठीक है। जोर कलम के लिए फर्स्ट प्लांट को ऐसे पूरा लेटा के, मतलब इसको रोप से बांधा जाता है, अच्छी तरह से आप देख सकते हैं, इसको ऐसे मतलब हिलाया जाता है पूरा। ये देखिए अच्छी तरह से आप देख के समझ जाएंगे, ये इतना बड़ा प्लांट को, बहुत बड़ा प्लांट था, इससे सब फ्रूटिंग था तो फ्रूट हम लोग निकल दिया। तो इसमें क्या होता है, ऐसे ज्वाइन करके इसको हिला के पूरा पूरा मतलब हिला के इसको लेटा जाता है, ठीक है। और इसको क्या होता है, ये भी काटिमोन मैंगो का मदर प्लांट से, इसको क्या किया जाता है, ऐसे करके लिटा के पूरा सब हिला के ऐसे करके ज्वाइन किया जाता है। आप देख सकते हैं इसमें जो ज्वाइन है इसे जोर किया गया है, ठीक है, बाद कटिंग नहीं हुआ है डायरेक्ट। जो ये देखिए इसका जो आया बट नहीं निकल के, डायरेक्ट इसको ज्वाइन किया गया है, ये डायरेक्ट ज्वाइन किया गया है, ये नीचे वाला ये पोर्शन है। तो प्लांट ये जो है, ये आपका जोर कलम के लिए है। जोर कलम जो लोग टेरेस गार्डनिंग करते हैं ना, उनके लिए जोर कलम सबसे बढ़िया है, जो लोग टेरेस गार्डनिंग करते हैं, क्योंकि टेरेस गार्डनिंग में जोर कलम अच्छा इसलिए होता है क्योंकि प्लांट छोटा है और जल्दी फ्रूटिंग आता है। तो प्लांट अगर छोटा या जल्दी फ्रूटिंग होता है, यही तो चाहिए जोर कलम के लिए। तो इसी तरह जोर कलम भी किया जाता है, एक विनियर भी है, विनियर ग्राफ्टिंग भी है, और एक है जोर कलम। तो दोनों ही बेहतर है, दोनों ही बेहतर है, पर जोर कलम जो लोग टेरेस गार्डनिंग करते हैं, हाँ प्लांट छोटा चाहते और छोटा से ही फ्रूटिंग आने लगते, तो ये वाला बेहतर है ज़्यादा। एज कम्पेयर टू आपका अगर विनियर ग्राफ्टिंग देखा जाए तो इतना जल्दी मतलब इसका लंबा नहीं होता है, छोटा से ही आपका फ्रूटिंग होता है, वो भी छोटा से फ्रूटिंग देता है पर ग्रोथ उसका ज़्यादा होता है। इस पर ग्रोथ कम होता है पर फ्रूटिंग ज़्यादा, फ्रूटिंग के लिए ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। मतलब इसीलिए जोर कलम का इसका प्राइस भी ज़्यादा होता है जोर कलम का, क्योंकि ऐसे आसान नहीं है इसे जोर करने में। ये सब प्लांट का आप देख सकते हैं, इसको सभी जोर करने वाला है, कुछ ग्राफ्टिंग भी हुआ है, जोर भी करेंगे, ठीक है। तो मैंगो भी सब इसको निकाला गया है, मैंगो
भी एक मैंगो है, अभी तो मैंगो होने का टाइम नहीं है, फिर भी मैंगो है। इसका फ्लावर जो आया था हम लोग अभी काट दिया, क्योंकि हम लोग फ्लावर और फ्रूटिंग नहीं लेते, क्योंकि उसको हम लोग का PPR प्लांट को यार करना पड़ता है। तो ये हो गया आप, ठीक है। इधर जो देख सकते हैं आप, ये सब सब प्लांट को ऐसे ही करके रूप से बता दिया है, इसको जोड़ कलम करने जानने के लिए। तो दोनों टाइप्स का, ये आपका वेनियर ग्राफ्टिंग है क्या आपका जोर कलम है, दोनों ही अच्छा है, ठीक है। पर जोर कलम जो लोग टेरेस गार्डनिंग करते हैं उन लोगों के लिए जोर बहुत बेहतर है, ठीक है। अगर प्लांट छोटा है तो आप लोग समझ गए प्लांट क्यों छोटा है, ये सब मत समझिए। जोर कलम है तो प्लांट साइज छोटा ही होगा, उसका हाइट ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। थैंक यू।